गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हो सभी? सब ऑडिबल और विजिबल है क्या? एक बार बता दो भाई। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। सब ऑडिबल और विजिबल है क्या? नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। बता दो भाई, सब ऑडिबल और विजिबल है क्या? बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और आज फिर हम, आज नंबर है आईसीटी का, ठीक है, वन डे वन यूनिट में बड़े आराम से चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके मेरे साथ स्पीड अप रखना है और फटाफट इस यूनिट को रिवाइज करना है, ठीक है? तो बिल्कुल शांति से, ठीक है, अच्छे से करेंगे। चलो तैयार हो जाइए सब, है ना, बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए कि चलो हम पढ़ाई में अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, एक कागर हो जाते हैं और बात करते हैं। तो आज बात करेंगे हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, और बात करेंगे थ्योरी के साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें अपनी होंगी। ये सारी बातों को आराम से सुनना है चित्त को शांत करके, और एकाग्रता की बहुत जरूरत है उस स्पीड अप को साथ रखने के लिए। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है ना। चलो, आईसीटी का फुल फॉर्म से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई की जगह एक बार इंडियन लिख दिया, कम्युनिकेशन की जगह एक बार कम्युटिव लिख दिया, तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। इसमें कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मीडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसमें टेस्ट सीरीज भी पढ़ेंगे, और टेस्ट सीरीज भी होगा, ठीक है। बुकलेट्स भी है पेपर वन की, पेपर टू EVS, इन्वायरमेंटल साइंस और पॉलिटी, ये सब के एडमिशन जल्दी ही अबाउट 15 अगस्त को लॉन्च हो रहे हैं, तो आप वेट करिए SWMG में, और ऑल द वेरी बेस्ट सबको। चलो बात करते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी में दो टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टर्म है सिंक्रोनस और एक टर्म है असिंक्रोनस, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन विद एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सिंक्रोनस है और कौन सा असिंक्रोनस। तो इस मतलब समझिए इस शब्द का, सिंक्रोनस, क्रोनस मतलब होता है समय, सिन मतलब समान, यानी कि तुल्यकालिक। जो कोई भी एक चीज लाइव चल रही है, जैसे अभी आप मेरे को लाइव सुन रहे हो, ठीक है, तो ये सिंक्रोनस है, सेम टाइम जब स्पीकर बोल रहा है और ऑडियंस उसी टाइम इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये है सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस क्या है, जब आप कोई रिकॉर्डेड सेशन वगैरह देखते हो जो सेम टाइमिंग नहीं चलता है, उसको असिंक्रोनस या अतुल्यकालिक बोला जाता है। और इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है कि विच वन इज सिंक्रोनस, विच वन इज असिंक्रोनस, ठीक है। तो सिंक्रोनस में कोई भी लाइव चैट आ गई, ठीक है ना, चैट रूम्स हो गया, ऑनलाइन जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, सिंक्रोनस में आ जाएगा, तुल्यकालिक में आ जाएगा। और असिंक्रोनस में, यानी कि जो अतुल्यकालिक रिकॉर्डेड वगैरह की बात होती है, जो ईमेल है वो अतुल्यकालिक में आ जाएगा, यानी कि असिंक्रोनस में आ जाएगा। और जो भी डिस्कशन फॉर्म वगैरह होगा, डिस्कशन फॉर्म में क्या होता है, लाइव नहीं चलता है, आप अपना प्रॉब्लम लिख के छोड़ देते हो, जब कोई आता है तो उसका आंसर करता है, जैसे स्वयं एक स्कीम है उसके अंदर भी डिस्कशन फॉर्म है, तो ये असिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मतलब समझ चुके होंगे, यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। जैसे व्हाट्सएप है, वो सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, व्हाट्सएप, तो बता दो व्हाट्सएप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। चलो मैं और कोई भी बात नहीं करूंगा, एक बार पढ़ाई करिए और ये बताइए, क्योंकि आईसीटी में कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बताइए ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, ध्यान से इसको पढ़िए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। इस क्वेश्चन को, वो सिंक्रोनस होगा भाई पिछले वाला, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, समकालिक होगा वो, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मामले में कौन सी बात सही है, बताइए।
तो देखो कंप्यूटर क्या करता है, इसमें देखो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, सीपीयू जिसको माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम, क्या रैम में सेकेंडरी स्टोरेज से होता है या फिर सेकेंडरी रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, यहां एक कंफ्यूजन है। एग्जीक्यूट तो वो सीपीयू से ही होता है, इस बात की ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी कार्य निष्पादित होगा, क्योंकि सीपीयू क्या है, ब्रेन है आपका, सीपीयू क्या है, ब्रेन है, आप कोई भी काम एग्जीक्यूट करते हो तो ब्रेन से ही करते हो, तो एग्जीक्यूट तो सीपीयू से ही होगा। मदरबोर्ड वाली दोनों ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में जाएगा या रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, अरे बताओ तो, अरे बताओ, वो याद करो वो टाइम जब हम हरारी की बना के पढ़ते थे और आज भी पढ़ेंगे। तो याद रखना, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में जाता है, फिर रैम से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू रैम, हाँ सेकेंड ऑप्शन, स्टोरेज सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, ठीक है। याद रखना, सॉफ्टवेयर को द्वितीयक भंडारण से रैम में लोड किया जाता है और फिर सीपीयू के द्वारा निष्पादित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 64% स्टूडेंट्स ने दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये करके दिखाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। ये कह रहे हैं सीपीयू एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, बताओ वही से क्वेश्चन अटैच करके पूछा गया है, सीपीयू एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर निष्पादित करता है, नहीं करता सीधे, अभी तो बात करी थी सीपीयू सेकेंडरी से रैम में आएगा फिर वो निष्पादित करेगा, ये कह रहा है कि सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी से करता है, गलत हो गया, डायरेक्टली कहां करता है, सेकेंडरी से, अरे सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर निष्पादित कहां करता है, पहले सेकेंडरी मेमोरी से किस में आता है, रैम में आता है, फिर सीपीयू निष्पादित करता है, जबकि ये कह रहा है सीपीयू एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इफ इट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो टर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो फ्री में मिलता है एक तरह से, ठीक है। तो फ्री में मिलने वाला, पैसे में मिलने वाला सारे ही इंटरनेट से डाउनलोड होता है, जरूरी नहीं है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब जो एक तरह से फ्री में मिलता है, तो ये भी गलत है। ए सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इफ इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ना इंटरनेट से तो सारे ही होते हैं, जो फ्री में नहीं मिलता है वो भी इंटरनेट से ही होगा, जैसे अपनी ऐप है SWMG वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट की तो जरूरत होगी ना, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो फ्री में मिले, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, समझ में आई बात, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, राइट आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड बोथ स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। कॉन्सेंट्रेट रहिए, एकाग्र रहिए, तब समझ में आएगा, है ना, एकदम चिंतन करके, कुछ चीजें पढ़ी होनी चाहिए पहले भी, है ना, ये रैपिड रिवीजन है तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, एकाग्र रहिए प्लीज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सुनिए, असर्शन रीजनिंग का है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या कहता है, एवरी जनरल पर्पज कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट, प्रत्येक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS स्थापित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर ही ऑपरेट नहीं होगा, क्यों होना चाहिए, रीजन क्या दिया हुआ है कि मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, मनुष्य और कंप्यूटर सीधे संवाद नहीं कर सकते, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सही बात है, सीधे कहां संवाद करते हो, कभी कंप्यूटर को जाके ऐसे पूछा है और कंप्यूटर क्या हाल है, ऐसे तो नहीं पूछा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो ऑपरेट करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही हो गया। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।
ये देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता है, ये आपको बहुत सिंपल लगता है, और जो चीज सिंपल लगती है वो गलत हो जाती है, और जैसे ही वो गलत होती है तो सिलेक्शन से हम बाहर हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो तो आपको बहुत शरीफ लगता है ना, वो जैसे कहते थे ना कि सुधी छिपकली ज्यादा मच्छर खाती है, वो वाली बात है, तो ये सिंपल वाली गलत हो जाती है। इनपुट डिवाइस, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है इसके एग्जांपल याद रखना। इनपुट जहां से आप इनपुट देते हो, ठीक है ना, जैसे कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, माउस है वो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जो गेम खेलते हैं वैसे करते हैं जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन अगर आपको बोथ में मिले तो बोथ में भी कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट बोथ भी है ये, ठीक है ना, टच स्क्रीन, क्योंकि आप टच करके इनपुट दे रहे हो और वहीं स्क्रीन पे दिखता है, तो बोथ भी हम कह सकते हैं टच स्क्रीन को। लाइट पेन ये भी इनपुट देता है, ठीक है। डिजिटाइजर, ये बहुत कंफ्यूज करता है, डिजिटाइजर, डिजिटाइजर क्या चीज होती है, जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है इमेज वगैरह को, तो भी ये भी एक इनपुट है, याद रखना। स्कैनर, स्कैनर स्कैन करते हैं ना, अरे स्कैन करता है तो इनपुट ही लेता है, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। MICR इसका फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो होता है ना, जो चेक वगैरह के नीचे लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज होती है उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक OMR शीट भरते थे पहले, उसको रीड करने के लिए ऑप्टिक मार्क रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो वो हाथ में लेके ऐसे स्कैन करता है ना, वो सब इनपुट डिवाइस है। बार कोड, जिसमें बार कोड करता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब माइक, माइक माइक भी तो इनपुट है, ठीक है। और वेब कैमरा इनपुट है, आप ये मत कह देना सर फोटो तो बाहर दिखती है, अरे वो स्क्रीन पे दिखती है, कैमरा तो इनपुट ले रहा है ना, तो वेब कैमरा, ये सब के सब इनपुट डिवाइसेज है, ध्यान रखना, ये सब के सब इनपुट डिवाइसेज है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से है, बहुत बढ़िया। सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है क्या, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि एक घंटे में पूरा रिवीजन करना होता है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट और एकाग्रता रखनी होती है। आप जुड़े रहिए, बाद में बहुत बातें करेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले JRF कर लेते हैं, ठीक है। बता दीजिए एक बार, कन्फर्म कर दीजिए, सब अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत नमस्कार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस आप कॉन्सेंट्रेट रहिए, सब बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनपुट के बाद आउटपुट का नंबर आता है, आउटपुट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आउटपुट से कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रिंटर, अरे प्रिंटर से बाहर निकल के आता है ना पेज, तो आउटपुट हो गया। प्लॉटर, ये बहुत बार पूछा जाता है, प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर है, यूं मान लो जो बड़े बड़े बैनर वगैरह निकलते हैं, वो भी आउटपुट बाहर निकल के आता है, तो आउटपुट हो गया। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर, अरे मॉनिटर बहुत पूछा जाता है, क्लास वाला नहीं, ये मॉनिटर जो आपको दिखता है स्क्रीन पे, ये मॉनिटर आउटपुट है। कंप्यूटर आउटफिल्म माइक्रोफिल्म, जिसको कॉम बोलते हैं, इसका तो नाम ही आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम और हेडफोन, हेडफोन ये भी आउटपुट है, ठीक है ना। और अगर हेडसेट बोले ना तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि कुछ बोला भी जाता है और कुछ सुना भी जाता है हेडसेट में। अगर हेडफोन पूछे तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हो, प्लीज मेरी मजबूरी है कि मैं हर एक बच्चे का अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ये मेरा एक मजबूरी है, क्योंकि मेरा ध्येय है कि ये प्रॉपर रिवीजन हो, बकवास ना हो, सिर्फ पढ़ाई हो, इसलिए मैं ध्यान नहीं कम दे रहा हूं, आप लोग सहयोग करिए, ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि बकवास तो कितनी कर लो, ये पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज। कोई बच्चा नहीं जुड़ पा रहा है ना मेरे साथ, उसकी एक मजबूरी है कि उसने रिवीजन नहीं किया होगा और उसने सही से नहीं पढ़ा होगा, मेरे साथ वही दौड़ेगा जिसने रिवीजन किया है, वास्तव में रिवीजन करना है, ये रिवीजन सेशन है, तो इसको दौड़ने के लिए उसकी तैयारी पहले से अच्छी होनी चाहिए भाई, ये रिविजनरी सेशन है, ठीक है, ध्यान रखें। चलो बात करेंगे आगे। चलो ये देखो, ये देखिए, ये आपको कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ऐसा क्वेश्चन UGC पूछता है, देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। हाँ सीधी बात, नो बकवास,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियां शामिल है। इनपुट कौन कौन सी है, देखो सार कॉम्बिनेशन, प्रिंटर आउटपुट है तो इस ऑप्शन को काट दो, इसमें मॉनिटर आउटपुट है तो इस ऑप्शन को काट दो, इसमें मॉनिटर आउटपुट है इसको काट दो, ऑप्शन हो गया ये वाला। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट है। याद रहेगा क्या आपको, याद रहेगा क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक ईमेल से क्वेश्चन आता है, अरे वो वाला क्वेश्चन 2CCBCC वाला क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये UGC का। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको आराम से सुनना है उन क्वेश्चंस को भी, और एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो, थ्योरी को समझ लो। मान लो आप याद रखना है, टू में किसी को आपने मेल, आप लेटर लिखते हो तो टू लिखते हो ना, तो टू किसी को मेल किया आपने, मान लेते हैं ये मेल आपने मुकेश को की, टू में एड्रेस लिखा mukesh.goyal77@gmail.com, आपने मुकेश को मेल करी है टू, और कुछ मेल आपने, ये सेम मेल आपने कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब होता है यहाँ पे टू पे एक एरो सा लगा होता है ऐसे फ्रेंड्स, उसको नीचे करोगे तो लिखा आएगा सीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या नाम होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जो आपने मुकेश को मेल करी है वो सेम मेल आप मान लेते हैं राकेश को भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक है BCC लिखा हुआ है, देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और मान लेते हैं आपने सुरेश को की है, और किसको की है, किसी को कर दो, प्रवेश को करी है BCC वाले एड्रेस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, तो एक चीज याद रख लेना कि टू वाला सीसी को देख सकता है, टू वाला सीसी को देख सकता है, यानी कि मुकेश को पता होगा कि राकेश के पास मेल गई है, टू वाला सीसी को देख सकता है और सीसी वाला भी टू को देख सकता है, एक को बात तो ये याद रखना, टू वाला सीसी को देख सकता है, सीसी वाला टू को देख सकता है, ये याद रखना। अब जो BCC वाला है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, याद रखना ब्लाइंड, अभी इसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जो UGC में भी आया हुआ है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन BCC वाले CC को भी देख सकते हैं और 2 को भी देख सकते हैं। BCC वाले ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये तो सबको देख सकते हैं, लेकिन इनको 2 वाले और CC वाले नहीं देख सकते। तो एक बार दिमाग लगाइए, मैंने क्या बोला, CC वाले 2 को देख सकते हैं, 2 वाले CC को देख सकते हैं, BCC वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है, BCC वाले 2 को भी देख सकते हैं और BCC वाले CC को भी देख सकते हैं, लेकिन 2 और CC वाले BCC को नहीं देख सकते, ये बात इतनी बात याद कर लो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रामलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और थैंक यू आपके फीडबैक के लिए, ठीक है ना, ठीक है। शिखा राजपूत जी कह रही है फिलहाल ये स्लाइड है ना वो ब्लाइंड है, चश्मा लगाओ मोटे नंबर वाला, ठीक है, बड़े बड़े नंबर वाला, ठीक है, फिलहाल ये स्लाइड ब्लाइंड है, स्लाइड ब्लाइंड नहीं होती, आंखें ब्लाइंड होती है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो, ये करके देखो भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इतने मैं बात कर लेता हूं। शिखा जी कह रही है मेरी आंखें स्वस्थ है सर, तो ये स्लाइड भी बहुत स्वस्थ है, इस स्लाइड को मैंने अभी दूध पिलाया था, बिल्कुल HD क्वालिटी का बनाया दूध पिला पिला के, ठीक है, तो स्लाइड बाहर आने को हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, शिखा कहती है कैसे मुंह बना के बोल रहे हैं सर, बना के बोल नहीं रहे, ये मुंह ऐसा है ही शिखा जी, ये कुदरत की देन ऐसी है, मुंह मैं कोई यहां के सेल्फी थोड़ी ले रहा हूं मुंह बनाऊंगा, बस ये लास्ट कमेंट पढ़ा उसके बाद नो कमेंट, ठीक है, चलो इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, चलो इतना ही बस। आपसे पूछे गिव इन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल बी स्वामी एबल टू सी, ठीक है, स्वामी को कौन कौन दिखेगा ये बताना है आपको, स्वामी को कौन कौन दिखेगा आपको ये बताना है, स्वामी कहाँ है, देखो
स्वामी ये है, इसको कौन कौन दिखेगा, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, तो अभी जो कंसेप्ट बताया था एक बार वो लगा दो ना, ठीक है। बीसीसी को कौन कौन देख सकता है, बीसीसी को आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, यानी कि स्वामी रामा को नहीं देख सकता, लेकिन बीसीसी वाला सीसी को भी देख सकता है और टू को भी देख सकता है। इसका मतलब जो स्वामी है वो राम को भी देख सकता है, राज को भी देख सकता है और रवि को भी देख सकता है। तो किस किस को देखेगा, राम राज रवि, ठीक है, राम राज रवि, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये क्वेश्चन उसी तरह पे है, उस क्वेश्चन को देखिए। वेल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफरेंशिएट अपॉन सीसी एंड बीसीसी फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ईमेल भेजते समय टू सीसी और बीसीसी के फील्ड में विभेद करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो देखिए फटाफट कौन सा कथन सही है, इसमें थर्ड कथन पढ़िए, रिसीप्ट इन बीसीसी फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आई इन टू ऑन सीसी फील्ड, बीसीसी फील्ड में प्राप्त करता टू और सीसी फील्ड में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन, ये जो कंसेप्ट है कि टू वाला सीसी को देख सकता है, सीसी वाला टू को देख सकता है, बीसीसी वाला आपस में नहीं देख सकता, ये कंसेप्ट याद रखना, और बीसीसी वाला टू को भी देख सकता है और सीसी को भी देख सकता है, ठीक है, लेकिन टू और सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, ये याद रखना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद में ये क्वेश्चन, ये थ्योरी पढ़ लेना, मैं अभी थ्योरी समझाता हूं और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, प्लीज हर बार दो क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चित्त को शांत रखिए, मन को रिलैक्स रखिए और मुंह को सही रखिए और फिर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और मैं भी कोशिश करता हूं मेरा मुंह सही रखने की, ठीक है जी। चलो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और यहां पे मैं सीपीयू बना लेता हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ये सीपीयू है ये, ठीक है, ये सीपीयू है, और सीपीयू के इसके एकदम पास में होता है रजिस्टर मेमोरी, कौन सी होती है, रजिस्टर, सीपीयू के एकदम पास में कौन सा होता है, रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है, सीपीयू के पास में एक रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद होती है कैशे मेमोरी, कौन सी होती है, सी ए सी एच ई, कैशे मेमोरी, उसके बाद होती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, याद रखना प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और उसके बाद होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, ये देख लो एक बार डायग्राम, एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है, चलो देखो, देख लिया ये डायग्राम, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सबसे नजदीक है रजिस्टर मेमोरी, उसके पास उससे थोड़ा दूर है कैशे मेमोरी, उससे दूर है प्राइमरी मेमोरी और सबसे दूर है सेकेंडरी मेमोरी। तो एक बात बताइए, जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, सर मेरी उससे लड़ाई हो रखी है मेरे पड़ोसी से, अरे वो छोड़ो रे मेमोरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले है रजिस्टर मेमोरी इसके पास, तो सबसे पहले पहुंचेगा सीपीयू के पास कौन सा, रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक है तो सबसे फास्टेस्ट होगा और सबसे पहले सीपीयू के पास पहुंचेगा, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, रजिस्टर की। उसके बाद कौन पहुंचेगा, उसके बाद कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उससे थोड़ा दूर है, तो कैसे से, कैसे रजिस्टर से थोड़ा बाद में पहुंचेगा कैसे मेमोरी, और उसके बाद मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम वगैरह हो गया, उसके बाद जाएगा प्राइमरी मेमोरी और सबसे लास्ट में पहुंचेगा सेकेंडरी मेमोरी, सबसे लास्ट में कौन सा पहुंचेगा, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये स्पीड का हायरार्की है, याद रखना, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अगर ये तो है स्पीड की बात, ये तो है स्पीड की, अगर बात करें स्टोरेज की, यानी कि संग्रहण सबसे ज्यादा किसका है, स्टोरेज
में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी जैसे आप में हार्ड डिस्क वगैरह है ये टीबी में हो सकती है, तो सबसे ज्यादा जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज्यादा स्टोरेज है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की सब स्टोरेज है, उसके बाद कैसे की और उसके बाद रजिस्टर की। अगर स्टोरेज कैपेसिटी पूछे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, संग्रहण क्षमता पूछे स्टोरेज कैपेसिटी पूछे तो ये हो जाएगा। तो याद रखना स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के सही क्रम की पहचान करें जो एक्सेस समय के मामले में सबसे तेज से सबसे धीमी गति की रैंक से होंगे। तो सबसे तेज कौन है इसमें? अरे देखो सबसे तेज कौन सा है, अरे देखो रे सबसे तेज है कैसे, कौन सा है कैसे, तो देखो सी सबसे पहले किस में है, ये दोनों तो चले ही गए, ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन है कैसे के बाद इन तीनों में कौन जाएगा। कैसे के बाद जो प्राइमरी मेमोरी रैम है वो जाएगी, तो कैसे के बाद प्राइमरी मेमोरी रैम, और एसएसडी और ऑप्टिकल ड्राइव में कौन जाएगा, आपको पता है एसएसडी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एसएसडी काफी स्पीड रखता है ऑप्टिकल ड्राइव से। तो ये हो गया सी ए डी बी, ठीक है ना, सी ए डी बी इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ए डी बी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ए डी बी। चलो ये देखो, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, देखिए पहला कथन पढ़िए, सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर, बिल्कुल ये तो बात ठीक है, धीमी है सेकेंडरी स्टोरेज, हमने देखा है सबसे लास्ट में पहुंचती है, तो ये बात तो ठीक है, चीपर एंड लेस वोलेटाइल देन प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है कि सेकेंडरी स्टोरेज है वो स्लो है और प्राइमरी स्टोरेज से वो चीपर भी है, सस्ती भी है और लेस वोलेटाइल है, यानी कि ये परमानेंट होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है। बी को पढ़िए, बी कह रहा है टैप ड्राइव्स आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, टैप ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, इस बात से हम कतई ही सहमत नहीं है, टैप ड्राइव जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। आपने वो टैप वो लेके आते थे ना, वो कैसेट्स जो होते थे उसमें आपको 5 नंबर का गाना सुनना है तो डायरेक्ट 5 में नहीं पहुंचते थे, आगे करना पड़ता था ऐसे, वो डायरेक्ट नहीं था, तो टैप ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस नहीं है भाई, ये तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है। अब सेकंड यही बच गया, बस सी तो आना ही है, दो दो ऑप्शन चूज करने हैं, बी कट ही गया तो ए और सी आ गया, इसमें तो कोई दोराय की बात है ही नहीं, फिर भी सी को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, द कंटेंट्स ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ रैम आर वोलेटाइल, आपको बताया है, थस मेकिंग देम अनस्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। अरे रैम के बारे में तो मैंने कितना बताया है कि रैम वोलेटाइल है और रोम है वो नॉन वोलेटाइल, यानी कि परमानेंट है, जो रोम में बस गया तो वैसे ही परमानेंट होता है, तो ए और सी इज द राइट आंसर, ए और सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। ये देखो मेमोरी से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड। और फ्रेंड्स एक बात आपको मैं बता देता हूं, ये चित रिलैक्स करके सुन लो, ऊपर देख लेना लोवेस्ट टू हाईएस्ट पूछा है या हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यहां बहुत बड़ी गलती होती है और वो सिक्वेंस ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, तो प्लीज यहां पे थोड़ा सा आप ऑप्शन में पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं ना, वहां उल्टा करो, क्वेश्चन को शांति से चित रिलैक्स करके पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है निम्न से उच्चतम गति, पहले निम्नतम से उच्चतम गति पूछा है, तो सबसे स्पीड स्लो किसकी होगी, निम्नतम लोवेस्ट, तो इसमें सबसे कम होगी स्टोरेज सेकेंडरी की, उसके बाद मेन की होगी और उसके बाद कैशे की होगी और उसके बाद रजिस्टर की होगी, अगर दिया होता तो ये होगा, इसको ध्यान से देख लेना प्लीज, ठीक है, प्लीज ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये क्वेश्चन, ये भी मेमोरी से ही क्वेश्चन है, क्या है, एन आईटी कंपनी हैज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड ए न्यू लैपटॉप मॉडल दैट यूज लेस पावर इज स्मॉलर इन साइज
and weight less than previous laptop model, the technology that has been used to accomplish this is, एक आई टी कंपनी ने हाल ही में एक नया लैपटॉप मॉडल तैयार किया है जो कम बिजली का उपयोग करता है, आकार में छोटा होता है और पिछले लैपटॉप मॉडल से कम वजन का है। इसे पूरा करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? और आपको पता है इसके लिए हमने SSD हार्ड डिस्क की जगह क्या लगा दी है? SSD लगा दी है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा दी है जो मेमोरी डिवाइस है, और स्टोरेज है जो बहुत हल्की होती है और बहुत ही स्पीड अच्छी रहती है। तो अब कंप्यूटर या लैपटॉप को हल्का करने के लिए उसमें क्या आ गई है? SSD आ गई है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स आ गई है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ये करके दिखाओ। ये क्या कह रहा है? कैसे मेमोरी इज फास्टर देन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अरे बताओ ये बात सही है कि नहीं? अभी तो पढ़ा कैशे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज है, ये बात सही है कि नहीं? याद करो वो डायग्राम जो हम CPU के सबसे रजिस्टर, फिर कैसे, फिर मेन या प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, फिर सेकेंडरी। तो कैसे मेमोरी फास्टर तो है ही, कैसे मेमोरी फास्टर है, बिल्कुल बिल्कुल फास्टर है। दूसरा क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज क्लोजर द प्रोसेसर देन कैसे मेमोरी। अरे क्लोज क्या है? कैसे मेमोरी से तो दूर है ये, CPU से तो दूर है ना। क्लोजर का है, क्लोजर होता तो इसकी स्पीड ज्यादा होती, तो ये उल्टी बात कह रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर, नहीं क्लोज नहीं है, कैसे मेमोरी क्लोज है रैम से, तो ये गलत हो गया। अरे बात समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन तो बना हुआ है ना, वरना फिर मुंह बन जाएगा है ना एग्जाम के बाद, वो दिक्कत करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी कॉन्सेंट्रेट, दिमाग को सही रखना है, मुंह तो कैसा ही हो, थोबड़े का कोई मतलब नहीं है, दिमाग ठीक होना चाहिए आदमी का। तो पहले वाला क्या है? बिल्कुल ठीक है, और दूसरे वाला गलत है, ठीक है। तो देखो कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये याद रखना, ये थ्योरी बहुत शानदार है, अति उत्तम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स है, आपको ये पूछ लेते हैं, इसको स्टोरेज कैपेसिटी हर बार आता है सीक्वेंस में लगाना कि कौन सी स्टोरेज कम से ज्यादा है, ज्यादा से कम है, तो ये सीक्वेंस याद रख लेना। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है बिट, ठीक है ना, उसके बाद है निबल, उसके बाद है बाइट, फिर KB किलोबाइट, ये याद रखना ये सीक्वेंस, ठीक है। क्या है? बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये बढ़ता हुआ क्रम है स्टोरेज कैपेसिटी का, ठीक है। बाइनरी यानी बिट में तो होता है 0-1 में से एक होगा, ठीक है। निबल के अंदर 4 बिट होते हैं और बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, और ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, याद रखना, याद रखना, ये प्लीज याद रखना। और एक बात और लिखना, 1 GB होता है उसको हम 1 billion bytes भी बोलते हैं। ये एक बार डायरेक्ट पूछा गया कि 1 billion bytes किसको बोलते हैं, 1 GB को 1 billion bytes भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले डायरेक्ट सीक्वेंस पूछते थे, अब थोड़ा इस तरह से पूछ लिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं के सही क्रम की पहचान करें जिन्हें सबसे बड़े से सबसे छोटी क्षमता के क्रम में रखा गया। ए यहां है, यहां पर ऑप्शन है, ए देख लेना प्लीज, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ा स्टोरेज है उससे लेके सबसे छोटे की तरफ जाना है, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी के क्या है, ये टेराबाइट है ना, टीबी, 2 TB, ये सबसे बड़ा है, तो डी सबसे बड़ा है, ठीक है। एक बार डी को सबसे बड़ा रखते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद देखो आप आदमी यहां पे गलती क्या करता है, टीबी के पास सदा फिर जीबी में चला जाएगा। बात ठीक है वो कि टीबी से छोटा जीबी होता है, लेकिन यहां देखो 1500 MB दे रखा है और 1500 MB में 1.5 GB हो गया, एक नहीं 1.5 GB हो गया, तो ये बड़ा हो गया। यहां ये कंफ्यूजन हो गया था बहुत सारे बच्चों का, ये गलत हो गया था 21-22 में, एक्चुअली में 2 TB फिर 150 MB बड़ा हो गया ना, 1.5 GB हो गया, 1500 MB बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसमें 1.5 GB हो गया। तो डी के बाद ए आएगा, फिर ये आएगा सी, और फिर आएगा बी, तो ये याद रखना फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन।
बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलत अभी भी कर दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन देखो, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। ये क्या कह रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वॉलेटाइल एंड स्टोर डाटा प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम अस्थिर है और वर्तमान में उपयोग होने वाले डेटा प्रोग्राम को संग्रहित करता है। बिल्कुल ठीक बात है, रैम है आपको पता है वोलेटाइल है और काम कर रहे हो एक्सेस कर रहे हो उसी को संग्रहित करता है। रीजन क्या दे रखा है, कह रहा है रैम इज स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्नड ऑफ। कह रहे हैं रैम एक भंडारण माध्यम है जो बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपनी सामग्री को बरकरार रखता है। अरे ये रोम के लिए है, क्योंकि ये परमानेंट के लिए, अगर ये बरकरार रखता तो ये फिर वोलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल होता। ये बात रोम के लिए ठीक है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। रैम तो बिजली की आपूर्ति जाते ही, जैसे ही बिजली ऑफ होगी तो उड़ जाएगा, इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। तो आर गलत हो गया, ए ठीक है, ए ट्रू है, आर है वो गलत है, ठीक है, ये आर गलत है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। एक आईपी एड्रेस का थ्योरी पढ़ के देखो, इसमें आईपी एड्रेस बहुत आराम से चित को रिलैक्स करके पढ़ना। जब आप इंटरनेट चलाते हैं ना, हम इंटरनेट चलाते हैं तो आपको पता है हार्ड नेटवर्किंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। एक आईपी एड्रेस भी होता है जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती है ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं कि विच आईपी एड्रेस इज वैलिड, कौन सा आईपी एड्रेस है वो वैध है या मान्य है। क्या चीजें याद रखनी है, आप याद रखना हर आईपी एड्रेस में चार सेक्शन होंगे। ये पहले एग्जाम्पल देखिए, इन चारों बातों को समझिए, इसमें चार सेक्शन होंगे। देखो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार सेक्शन, यानी कि हर आईपी एड्रेस वही वैलिड होगा जिसमें मिनिमम या पूरे के पूरे, मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है, उसमें कितने सेक्शन होने चाहिए, चार सेक्शन होने चाहिए। देखो चार सेक्शन है ना, एक दो तीन चार, ठीक है। ईच सेक्शन इज 8 बिट लॉन्ग और हर सेक्शन 8 बिट का है। हर सेक्शन कितने बिट का है, 8 बिट का है। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने का हो गया, 8 चौके 32 बिट का हो गया ना। अरे टोटल ये भी पूछ लेते हैं आपको कि टोटल आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो आप कहोगे 32 बिट का, क्योंकि हर सेक्शन 8 बिट का है और चार सेक्शन है। और याद रखना यहां पे सब पॉइंट आएगा, आपको कई बार क्या होता है 128 ऐसे ऐसे लगा दे, ऐसे भी वैलिड नहीं होगा, सब पॉइंट से डिवाइड होगा। किससे, पॉइंट, जैसे 128 फिर पॉइंट फिर 35 फिर पॉइंट फिर 0 फिर पॉइंट फिर 72, तो पॉइंट से ही डिवाइड करना है। माइनस प्लस स्लैश इस तरह के कोई भी वो साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट होना चाहिए। और एक है ईच सेक्शन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255 और हर सेक्शन में 0 से 255 की वैल्यू होगी, मतलब माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 से तो नीचे कोई वैल्यू नहीं जाएगी और ऊपर 255 से कोई नहीं जाएगी। जैसे मान लो मैंने 128 की जगह 256 लिख दिया और सारी बात लिख दी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 255 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, ठीक है, और 0 से नीचे नहीं जाना है, याद रखना ये, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखोगे, अरे सब ध्यान रखोगे क्या, चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ब्लूटूथ के बारे में बात करते हैं, ये थ्योरी देखना, यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सबको, बहुत बहुत नमस्कार। बस पढ़ाई करिए और इधर कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज, ठीक है। चलो, ब्लूटूथ है एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, आपको पता है आप डेली ब्लूटूथ जोड़ते हो, ठीक है। ब्लूटूथ एक छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक है और आपको ये पूछ ले कि कितनी रेंज होती है, तो इसकी रेंज होती है 10 मीटर 10 मीटर, ये ब्लूटूथ के बारे में याद रखना। ब्लूटूथ तकनीक में 10 मीटर की सीमा के भीतर संचार होता है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है ना। ये वायरलेस शॉर्ट डिस्टेंस होता है, आपको पता है ब्लूटूथ में कोई वायर तो होता नहीं है, और ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसमें 10 मीटर की एक दायरा होता है, 10 मीटर 10 मीटर का दायरा होता है फ्रेंड्स इसमें, एक बात ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखना है, अब आपको ये याद रखना है कि एक बार ब्लूटूथ में एक मास्टर डिवाइस होती है, जो जिसका ब्लूटूथ आप दे रहे हो, किसी से कनेक्ट कर रहे हो, मास्टर डिवाइस है वो कितने के साथ, एक्टिव के साथ जुड़ सकती है, वो 7 के साथ जुड़ सकती है एक्टिवली, ठीक है ना।
मैक्सिमम तो वो 255 डिवाइस के साथ जुड़ सकती है, लेकिन एक साथ एक्टिव कितने रह सकते हैं, एक तो वो खुद एक्टिव रहेगा और सात अन्य को एक्टिव भी रख सकता है, यानी कि टोटल 8 एक्टिव एक साथ रह सकते हैं। एक बार ध्यान से सुन लो ना दोबारा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक जो मास्टर डिवाइस होती है उसे एक्टिवली 60 और जुड़ सकते हैं, 7, तो टोटल एक्टिव कितने होंगे, 7 + 1 8 हो गए। लेकिन ये पूछे कि टोटल जुड़ कितने सकते हैं, तो मैक्सिमम जुड़ सकते हैं 255, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होंगे, एक्टिव तो सिर्फ 8 ही होंगे, एक तो जो होस्ट होगा वो और 7 जो उससे जुड़े हुए होंगे वो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन आपसे पूछे कि मैक्सिमम नेटवर्किंग कितने की हो सकती है, 255 की हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बस आप इसी लय से पढ़ते जाइए और इसी लय से जुड़ते जाइए। ये क्वेश्चन देखना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखो, वाईफाई हैज ए शॉर्टर रेंज देन ब्लूटूथ। वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है, अरे वाइफ की रेंज कम होती है क्या ब्लूटूथ से, वाइफ नहीं सर, वाईफाई, हाँ वाईफाई है शॉर्टर रेंज, नहीं कहां शॉर्टर रेंज होगी ब्लूटूथ से, वो तो कहीं भी पकड़ लेती है, कहां गए थे, ठीक है ना। तो वाईफाई हैज ए शॉर्टर रेंज, नहीं, वाईफाई की तो बहुत बड़ी रेंज होती है ब्लूटूथ से, तो काटो इसको, काटो, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया, ब्लूटूथ की शॉर्टर होती है, वाईफाई की शॉर्टर नहीं होती है, ठीक है, इसको काट दो, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाईफाई कैन ट्रांसमिट डाटा एट ए फास्टर रेट देन ब्लूटूथ। वाईफाई है वो ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डाटा संचारित कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वाईफाई है वो ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डाटा संचारित करता है, तो कथन एक गलत है और कथन दो है वो सही है, तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये हो गया राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देखो ये स्कीम्स की बात हो रही है, एक स्कीम में से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ग्रुप्स एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अनदर ग्रुप्स लैक ऑफ एक्सेस टू इट विल कॉज ए डिस्पैरिटी नाउन एज। कह रहा है एक समूह को डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है और दूसरे समूह को उसकी अनुपलब्धता है, जो ये विषमता है, टेक्नोलॉजी एक के पास तो है एक के पास नहीं है, जो ये विषमता आ गई है इसको क्या बोलेंगे, तो इसके लिए टेक्निकल शब्द यूज करेंगे, दैट इज डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन, ये याद रखना, ठीक है, ये सारे शब्द आपको सही लगेंगे लेकिन हमें जो यूज करना है वो डिजिटल डिवाइस करना है, यानी कि एक तरह से डिजिटल विभाजन है ये, ठीक है ना। रोबोटिक्स स्कीम भी आपने पढ़ी होगी, ई यंत्रा स्कीम, याद है आपको ई यंत्रा स्कीम, जो रोबोट बनाने वाली ई यंत्रा स्कीम, याद रखना इन स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और ई कल्पा स्कीम डिजाइनिंग से संबंधित है, याद है आपको ई कल्पा डिजाइनिंग से संबंधित है, डिजाइन बनाना, ई कल्पा, ई विद्वान, ठीक है, ई विद्वान किस लिए थी, ई विद्वान स्कीम, ई विद्वान स्कीम थी जो विद्वानों को मिलाना, एक तरह से डाटाबेस तैयार करना, जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, और ये सब याद है ना, ये आपको ये स्कीम से एक आधा क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। ये URL से क्वेश्चन आता है भाई, आपको एक बार तो URL की फुल फॉर्म भी पूछ ली, URL की फुल फॉर्म देखना क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, वह भी एक वेब का एड्रेस होता है कंप्लीट, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं URL, जैसे अपनी एक वेबसाइट है, जैसे उसका एड्रेस है www.swmg.in, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट है ना, ये URL है, HTTP वगैरह को सबको मिला के, ये कंप्लीट है, ये URL है, देखो गूगल का एक एड्रेस मैंने लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एक URL है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और इस URL को अगर टुकड़ों में बांटते हैं तो HTTP जो है, अब तो S भी लिखा आने लग गया आगे सिक्योर के लिए, HTTPS हो गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इस S की फुल फॉर्म पूछ ली थी सिक्योरिटी के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, HTTPS को क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म में भी लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, ये है प्रोटोकॉल। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, ये है सब डोमेन, क्या है सब डोमेन, और जैसे यहां पे गूगल है ये डोमेन नेम है, जैसे SWMG है ये डोमेन नेम है, और नीचे जो .com पीछे लगा हुआ है ये है TLD, जिसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन,
तो ये पूरा का पूरा तो URL है, पूरा का पूरा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर है, इसका पूरा एड्रेस है, इस एड्रेस को हमने तोड़ा है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, HTTPS को, सब डोमेन www को, डोमेन नेम जो नेम होगा, चाहे कोई भी नेम हो, जैसे SWMG, गूगल, तो ये सब डोमेन नेम हो गया, और ये जो लास्ट में लगता है ये TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। कई बार यहां से भी पूछ लेते हैं आपको कि .in किस लिए लिखते हैं, ठीक है, .com किस लिए लिखते हैं, तो ये भी आप याद रखते हैं, .in इंडिया के लिए लिखा जाता है, .gov गवर्नमेंट एजेंसी के लिए लिखा जाता है, .edu एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए लिखा जाता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .com कमर्शियल बिजनेस के लिए, और .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये भी आपसे एक बार edu का पूछ लिया सिंपल सा कि किसके लिए लिखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये याद रखोगे सारी बातें, अरे याद रखोगे क्या, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये कुछ सर्च इंजन और वेब ब्राउजर है, ये पेटेंट क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स, कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी लिस्ट याद कर लेना, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, लिस्ट याद कर लेना प्लीज, गूगल, बिंग, बाइडू, याहू, यांडेक्स, आस्क ऑल, डक डक गो, वॉलफ्रेम अल्फा और डॉगपाइल, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, कॉन्करर, यूसी ब्राउजर, मैक्सॉन ब्राउजर, सफारी वेब ब्राउजर, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन इज द सर्च इंजन और विच वन इज द वेब ब्राउजर। सर्च इंजन क्या करता है, आपको सर्च करके दे देता है, आपने मुकेश गोयल सर्च किया तो जितना भी होगा वो सर्च करके दे देगा आपको गूगल, तो वो एक सर्च इंजन है। लेकिन वेब ब्राउजर आपको स्पेसिफिक एड्रेस पे वहां पे लेके जाएगा जहां आपको जाना है स्पेसिफाई, ठीक है ना। तो ये एक फर्क होता है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में। आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि विच वन इज द ब्राउजर और विच वन इज द सर्च इंजन, तो आपको ये बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा बहुत ही वो है, क्या है, ब्राउजर है। मैं इससे आया हुआ संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखना ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी बनाया गया फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को पढ़िए, जिस लोगों को नहीं पढ़ना वो जाके चाय पी ले प्लीज, और जिसको पढ़ना है वो बिल्कुल एकाग्र रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी तमन्ना है JRF और नेट करने की, और जिसकी तमन्ना है कि मेरे को तो हमेशा दिमाग में खुजली रखनी है, वो एक बार जाके चाय पी ले प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, ए वेब ब्राउजर इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर That retrieves and displays web pages. एक web browser software का एक टुकड़ा है जो web पेजों को पुनः प्राप्त और प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो कह रहा था मैं, web browser आपको special address तक लेके जाने की बात कह रहा है। और statement 2 कह रहा है, a search engine is a special kind of website that helps people in finding web pages. और webs आपको पता है उसमें search engine में सारे web pages मिल जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे Google में जाओगे search engine है तो सब कुछ address वहां पे मिल जाता है, फिर specific form में आपको web browser लेके जाता है। तो ये दोनों कथन है वो सही है, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दोराय नहीं है, बहुत बढ़िया। और ये कंप्यूटर वायरस से, वायरस से क्वेश्चन आता है आपसे, एक बार UGC ने सीधा पूछ लिया कि कौन वायरस क्या है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और उस वजह से हम गलत कराते हैं। चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें फ्रेंड्स, अगर जीवन में कामयाब होना है, ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखें, चित्त हमेशा रिलैक्स रखें, ठीक है। तो ये कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर वायरस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कंप्यूटर वायरस के बारे में कौन से संबंध में सबसे सही कथन कौन सा है। तो कंप्यूटर वायरस में क्या होता है, वायरस ये बायोलॉजी से लिया हुआ शब्द है, जैसे वायरल हो गया, हम बोलते हैं ना हमें वायरल हो गया, तो हमें वायरस जब आता है बॉडी के अंदर तो एक्टिव हो जाता है, और बॉडी के बाहर वो मृत अवस्था में होता है एक तरह से, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर आते ही लिविंग हो जाता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, बहुत सारी बना लेता है, इसीलिए वायरल होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है दैट कॉपीज इटसेल्फ, जो अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है, इनफैक्ट ए कंप्यूटर विदाउट परमिशन नॉलेज ऑफ द यूजर, आपकी बिना परमिशन, आप कोई परमिशन थोड़ी दोगे, अरे वायरस आजा मुझे इफेक्ट कर दे, ऐसा थोड़ी है वो, ये प्यार थोड़ी है, ये तो वायरस है, ठीक है ना, चल प्यार भी तो वायरस है, अरे नहीं नहीं, एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति या ज्ञान के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए खुद को कॉपी करता है, ये है वायरस। इसमें बहुत सारे हम इसको मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, एक बार ये बात देख लीजिए, मालिशियस सॉफ्टवेयर, मालिशियस सॉफ्टवेयर
ठीक है ना, मालिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं इनको या मालवेयर भी बोलते हैं। ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, एक तरह से हैक करते हैं, आपके सिस्टम को एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के अंदर आते हैं सारे वायरस, इसी के अंदर आता है, ठीक है ना, वॉर्म इसी के अंदर आता है, ट्रोजन हॉर्स इसी के अंदर आता है, ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्स नाम सुना होगा, स्पाईवेयर इसी के अंदर आता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, जो आपके कंप्यूटर को क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं। और रैनसमवेयर एक और आता है जिसमें फिरौती मांगी जाती है, क्योंकि आपको पता है आपके अगर डाटा हैक कर लिए किसी ने और कोई ऐसा डाटा है तो आपसे पैसा मांगेगा कि इतना पैसा दे, नहीं तो मैं पब्लिक कर दूंगा, फिर आप पैसा दोगे, रैनसमवेयर फिरौती मांगते हैं वो। तो इस तरह के सारे क्या है, ये मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर है, ठीक है। और एक होता है कुकीज, कौन होता है, अरे कुकीज 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 क्या होता है, ध्यान रखना, कुकीज एक स्मॉल फाइल है जो आपको फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है, जैसे आपने यूजीसी नेट पेपर वन ये सर्च करना शुरू किया तो यूट्यूब पे वही वो दिखाने लग जाएगा आपको, तो इसको आपको फॉलो कर रहा है कौन, वो होती है कुकीज जो आपको फॉलो करती है इंटरनेट पे, ठीक है ना, आपका पीछा करती है, क्या देख रहे हो, आपने देखा होगा वही दिखाने लग जाता है सब, तो ये है कुकीज का, ठीक है, ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, और अपना चित रिलैक्स रखें, मन शांत रखें फ्रेंड्स, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी SWMG नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से, इसमें पेपर वन कंप्लीट पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज है पेपर वन की, पूरा बुक स्टडी मटेरियल, पेपर टू में इन्वायरमेंटल साइंस EVS कोड नंबर 89 और पॉलिटी, ठीक है। और आपको मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं फ्रेंड्स, जिसको पेपर टू देखना हो वो अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SWMG UGC NET पेपर टू, ये अपना एक दूसरा है यूट्यूब चैनल, वहां आप जा सकते हैं, वहां पे पेपर टू सारे आपको धीरे धीरे मिलेंगे, SWMG UGC NET पेपर टू के नाम से एक अदर यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना चित रिलैक्स रखें, मन शांत रखें और हमेशा खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिवीजन हो गया होगा, मजा आ रहा होगा, अब बताइए सब कैसा लग रहा है, एक मिनट के लिए बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं अब किसी ज़्यादा मैं समय आपका इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है ना फ्रेंड्स, तो फटाफट रिवीजन करिए और इससे बहुत बेहतर होगा। जिसको पढ़ना है ना वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ बैठा है, जिसको नहीं पढ़ना वो फालतू की बकवास करता रहेगा। असामाजिक तत्व है हमेशा समाज में, हर जगह मिलेंगे आपको, आपको उनसे छुटकारा पाते हुए अच्छा काम करना है। सब कोई चलता रहता है लेकिन आपको काम बेहतर करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा पॉजिटिव रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप खुश रहें, टेक केयर, बाय। और मेरा बहुत बहुत, सबके नाम मैं पढ़ रहा हूँ, सब दिख रहे हैं मुझे, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने पेशेंस से और मेरे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।